أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأفضل المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ہر طرح کی تعریف بڑائی کبریائی حمد و سنا دار صرف أَيْكْ الله صرف ایک خالق باقی سب مخلوق कि जिसको न नींद न ऊँग न प्यास न भूख न थकावट न बी बच्चों की ज़रूरत न किसी साथी की साझीदार की ज़रूरत बाकी उसके अलावा जो भी है सब नामकम्मल है नाक़ है उसको नींद की ज़रूरत भूख उसको सताती है उसको प्यास की ज़रूरत वो अकेला है अपनी ज़ात में वो अकेला है अपने मुकदस नामों में वो अकेला है अपने अलीफात में वही अकेला खालिक मुदब्बिर, जिसके हाथ में मौत हयात सबकी मौत मौत हयात तो जब वो अपनी रुबूबियत में अकेला है अपने नामों में सिफ़ात में अकेला है तो इबादत भी इंसानों की दुआ का हकदार इंसानों की आजीजी का हकदार भी वो अकेला ही ठहरा जब उसके जैसा कोई नहीं है कि जिसको भूख ना हो प्यास ना हो जब उसके जैसा कोई ऐसा कामिल नहीं है कि जिसको हर तरह का इल्म हो जो दिल की जाहिरी सब भेदे जानता हो वैसा कोई भी नहीं है उसके अलावा कोई भी नहीं है जो मक्खी का पर बना सके कोई भी नहीं है सब लोग मानते हैं इस बात को इबादत बहुत की करते हैं लेकिन सब मानते हैं कि पैदा करने की ताकत सिर्फ ऊपर वाले के पास है सिर्फ उसकी है तो जब वो अपने कामों में अकेला है तो हम इंसानों की दुआ का हकदार हम इंसानों की आजीज़ी का हक़दार वो अकेला ठहरा लहू والذين व من دونه नहीं الباطل. पुकार सच्ची इबादत सिर्फ़ उसका हक है उसके अलावा जितनों की इबादत की जा रही है सब झूठ है बातिल है खसारे में जाएगा उसका कोई अजर कोई सवाब उसको मिलने वाला नहीं है हजरात मौजू है गैर मुस्लिमों में दावत इस्लाम की अहमियत और ज़रूरत गैर मुस्लिम कौन हैं क्या हैं आप सब जानते हैं उसकी वजाहत की ज़रूरत नहीं है लेकिन इस मौके पे हमें अल्लाह रब्लम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर देना चाहिए कि अल्लाह रब्मी ने हमें हिदायत न सी फरमाई उस सच्चे रब की मारफत नसी फरमाई हम ना चूहों को दूध डालने वाले हैं ना आग के आग के अतराफ़ चक्कर काटने वाले हैं ना किसी जानवर के सामने झुकने वाले हैं अल्लाह ने हमको अपनी मारिफत अता करके इस सारी जलील चीज़ों से कि जिसे इंसान इंसान की इंसानियत जलील हो जाती है बचा लिया ग़ैर मुस्लिमों हैं कि जिनको अल्लाह की मारिफत हासिल नहीं है या हमको काफिर कह सकते हैं कि वो सरे से अल्लाह को मानते ही नहीं हैं बल्कि वो अल्लाह की मखलूक़ को अपना खुदा समझे हुए हैं चाहे सूरज को या चांद को या नदी को या नाले को या बहुत सारी चीज़ों को ग़ैर में दावत इस्लाम की अहमियत और ज़रूरत थोड़ा रुक कर इस मौजू को इस मजलिस का जो मरकज़ी ओान है पैगाम नजात उससे जोड़िए क्या रब्त है दोनों में दोनों में क्या रब्त है क्या ताल्लुक है ताल्लुक ये है कि अगर हमने इन लोगों को ऐसे ही छोड़े रहने दिया इन लोगों को इनके इस गुमराही में इस शिरक में इस बेवकूफ़े में ऐसे ही रहने दिया तो उनकी वो बुराई सिर्फ उन तक महदूद रहने वाले नहीं हैं हम या हमारी आने वाली नस्लें किसी भी लिहाज से उसे मुतासर हो सकती हैं होंगी ज़रूरी है कि हम इनको रोकें जैसे दुनिया में इस मोहल्ले में कोई बुराई का काम हो रहा है हम उसको रोकने की कोशिश करते हैं क्यों रोकने की कोशिश करते हैं कि हम कहेंगे कि नहीं इस बुराई का असर आज या न कल हमारे माशरे पर जरूर भी ज़रूर पड़ेगा मैंने सुना था कि कहीं किसी मोहल्ले में एक शराब का दुकान खुलने लगा तो उस मोहल्ले की सारी मुसलमान औरतें बाहर निकल गईं और उसका बैकाट करने लगी कि नहीं इस हमारे इस मोहल्ले में शराब का दुकान नहीं खुलेगा क्यों क्यों निकलें हम हालांकि उनको मालूम है कि हम हम मुसलमान चाहे कितने भी बुरे हों हमारे बच्चे कितने भी बुरे हों उस बुराई की तरफ तो नहीं जाएंगे यकीन है लेकिन क्यों निकली क्यों ये बािजाब सारी मुसलमान औरतें एहतजा निकल गई कि ये बुराई का असर आज एक साल में दो साल में पाँच साल में हमारा बच्चा नहीं जाएगा लेकिन पाँच साल होते होते तीन चार मोहल्ले के मुस्लिम बच्चे जाएंगे ही जाएंगे सामने चीज़ सामने रहेगी आदमी कितना बचेगा तो ये पैगाम नजात का ताल्लुक है हमारे इस मौजू से कि हम इन लोगों का हाथ पकड़ना इनकी इस जो जो सबसे खतरनाक ये गुमराही है सबसे खतरनाक गुमराही है पैदा किसी ने किया है किसी और को पुकार रहे हैं पैदा किसी ने और पैदा किसी और ने किया है रज कोई और दे रहा है इनको मुसीबतों से कोई नजात कोई और दे रहा है ये पुकार किसको रहे हैं जो सुन भी नहीं सकता जो जो देख भी नहीं सकता देखिए बुराई कैसा असर करती है मैं आया बैठा सामने वहाँ पे जेसस लिखा हुआ है ये इस टेबल पे, इस टेबल पे पर किराए से लाए होंगे शायद शादी का है पता नहीं कहाँ का है देखिए शक वहाँ पर जेसस लिखा हुआ है और जेसस बना के दिल छुड़ाया हुआ है अगर हम उनको समझाएंगे नहीं ये चीज़ मुझको अपनी मस्जिद में देखनी पड़ेगी देखना पड़ रहा है जी इसलिए ज़रूरी है दावत दावत इसलिए ज़रूरी है कि इसमें खुद अपनी हिफाजत होती है और फिर माशरे की हिफाजत होती है अगर दावत का नाम नहीं दावत का काम नहीं करेंगे आपको मालूम है बनी इसराइल का वाक़ तीन लोगों में बैठ गए थे कुछ लोग मना कर रहे थे कुछ लोग मना नहीं कर रहे थे लेकिन जब अल्लाह का आजाब आया तो जो लोग खामोश थे ली मतौम जिन लोगों ने यह कहा था कि भाई हम तो सुधरे हुए हैं ये लोग गुमराह कर रहे हैं उनको क्यों हम नसीहत करेंगे हम खामोश रहेंगे हम खामोश रहेंगे बनी इसल का वाक्य कुरान में जिक्र है एक कौम बुरा का काम कर रही थी तो जो नेक लोग थे वो दो हिस्सों में बढ़ गए नेक लोग दो हिस्सों में बढ़ गए एक नेक लोगों की जो जमात उस बुराई से दूर थी एक ने कहा कि हमें उन लोगों को बोलने की जरूरत नहीं है हम हैं हम अपनी इस्तकामत पर हैं हम अपनी हिदायत पर हैं हम तो बुराई का काम नहीं कर रहे हैं क्यों जाकर उनको खामक छेड़ेंगे कुछ लोगों ने कहा कि नहीं अल्लाह की कसम उनका हाथ पकड़ना हमें जरूरी है हमें उनको उस बुराई से रोकना ज़रूरी है सिर्फ हमें सुधर के रहना जरूरी है, इतना काफ़ी नहीं है इससे अल्लाह के हिसाब से हम बच नहीं सकते तो फिर अल्लाह ने बयान किया कि जब अल्लाह का अजाब आया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो बुराई कर रहे थे उनको भी हलाक किया और उन नेक लोगों को भी हलाक किया जो लोग खामोश थे दावत का काम नहीं कर रहे थे कुरान के साफ सरी अल्फाज ये लोग जो गैरुल्ला को पुकार रहे हैं इनके बारे में अल्लाह ने कहा वमन आम अल्लाह ने कहा ला। दुनि ला। दुनिया में उस शख्स से बढ़कर उस शख्स से ज़्यादा कौन गुमराह होगा गुमराही की बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं खसारे में नुकसान में होने की बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं लेकिन कुरान कह रहा है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा नुकसान सबसे ज़्यादा खसारे में रहने वाला सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी का काम करने वाला वो वो है कि जो अल्लाह के अलावा किसी को पुकार रहा है और अल्लाह के अलावा जो भी है अल्लाह के अलावा जिस किसी को पुकारा जा रहा है वो हाल क्या है कि मल्लास्तमियामह वो क़ियामत तक इसकी पुकार को सुन नहीं सकते नहीं सुन सुन सकते वो क्योंकि सुनने की ताकत किसकी है सिर्फ अल्लाह की सुनने की ताकत किसकी है सिर्फ अल्लाह की है दिल की भी जाहिर की भी ये अकेले भी, भी बोलो सब बोलो किस लिहाज से भी बोलो समी वही अकेला है असमी कौन है वो अकेला है दिल की भी सुनता है यानी दिल, दिल की भी सुनता है और जाहिर की भी सुनता है जाहिर की भी हम सुनते हैं लेकिन दो की नहीं सुन सकते जाहिर में हम चार लोगों की सुन सकते हैं चार लोग अभी बात बोले कोई इंसान सुन, सुन सकता है नहीं सुन सकता अल्लाह ऐसा है कि सारे इंसान सारे जिन, सारे फरिश्ते, सारे और दरिंदे, चरिंदे, परिंदे ही नहीं कंकर सारे कंकर सारे पत्ते भी अगर एक साथ पुकारे वो अल्लाह उतना बड़ा है कि हर एक ऐसे सुनेगा जिसे एक की सुनता है उसकी सिफत है अल्लाह के अलावा जो भी है कोई सुन सकता है वो नहीं सुन सकता तो ये लोग बेवकूफ़ हैं सबसे ज्यादा खसारे में है कि किसको पुकार रहे हैं कि जो सुन ही नहीं सकता अच्छा ठीक है सिर्फ इतना ही होता तो बात क्या थी चल सकती थी लेकिन क्या है एक नुकसान है क्या नुकसान है कि कल क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ये बुजुर्ग जिनको पुकारा जा रहा है सूरज को चांद को नदी को नाली को या अंबिया को जिननों को जिसको पुकारा जा रहा है अल्लाह दोनों को सामने रखेगा जिन जिन को पुकारा जा रहा है दो जो, जो जिन जिन को पुकारा जा रहा था और जो जो पुकार रहे थे और अल्लाह उनको क़्यामत के दिन बताएगा क्योंकि अब तो सुन रहे हैं उनको मालूम नहीं है कि उनको पुकारा भी जा रहा है अल्लाह उनको दुनिया में कहेगा कि भाई अय अम्बिया अय अलिया अन्नो अय मखलूक़ात ये तुम्हारे सामने जो लोग खड़े हैं तुमको दुनिया में पुकारते थे तो उस वक्त क्या होगा बात चल रही थी कि दावत का काम क्यों ज़रूरी है दावत का काम क्यों ज़रूरी है इस ये राह नजात क्यों हैं कि आज हम उनका हाथ नहीं पकड़ेंगे तो जिस गुमराही में दुनिया की जिस सबसे बड़ी बेवकूफ़ी में वो हैं वो चीज़ें हमारे ईमान पर कभी ना कभी असरअंदाज होंगी कई लिहाज से अक़ीदे के लिहाज से हो मामलात के लिहाज से हो माशरत के लिहाज से हो, होती हैं तो हमें ज़रूरी है और मैं बता रहा था कि को पुकारना उस एक खालिक सच्चे खालिक, उससे एक सच्चे माबूद को छोड़कर किसी और को पुकारना ये दुनिया की सबसे बड़ी गुमराही है कैसे गुमराही है अल्लाह ने उसको कहा कि भाई जिसको तुम पुकार रहे हो चाहे सूरज हो चांद हो या ईसा सलाम हो या खुद अम्बिया हो अलिया हो फरिश्ते हो, जिन हो वो असल सुन ही नहीं सकते तुम चीख तो रहे हो लेकिन वो सुन ही नहीं सकते ये पहली चीज़ है जो बताता जो बतलाती है कि शिरक दुनिया का सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ी वाला काम है ठीक है और फिर क्या है फिर कहा कि सिर्फ बात यहां पे ख़त्म नहीं है तुमने तो यहां पे उनको पुकारा ये पुकार जो अल्लाह का हक़ था जिसने पानी दिया जिसने मेवे दिए जिसने माँ बाप दिए जिसने सेहत दी पुकार उसका हक़ था अब तुमने तो उसके मखलूक को पुकार लिया अब अल्लाह क़्यामत के दिन उन लोगों को बताएगा उनको तो तुम दुनिया में पुकारते रहे उनको कुछ खबर नहीं है अल्लाह के दिन उन लोगों को बताएगा कि ये जो तुम्हारे सामने खड़े हैं इन लोगों ने मुझको छोड़कर तुमको पुकारा है तो उस वक्त तो क्या होंगे वा इदा ये अंबिया ये अउलिया ये फरिश्ते ये जिन इनके दुश्मन बन जाएंगे ये लोग जो ग्यारहवीं में इनके नाम पे बकरा काट रहे हैं ये लोग जो उनके चक्कर काटने के लिए बड़े बड़े सफर कर रहे हैं यही अलिया यही अंबिया यही जिन इनके दुश्मन हो जाएंगे और कहेंगे कि अल्लाह ताला इन लोगों ने तुझ खालिक को छोड़कर तुझ सच्चे महबूद को छोड़कर हम मखलूक को हम वो लोग जो अपने नफ्स के अपने फायदे के मालिक नहीं थे हमको पुकारा है हमको तो खबर नहीं थी अब इन लोगों ने इतना बड़ा बुरा काम किया है तो तू उनको जहन्नम में डाल वो इदा हुशिरन्नासु कानू लहुम आदा वकान भी इबादती हम काफ़रीन और साफ साफ हाथ उठा लेंगे कि भाई भाई हमको तो खबर नहीं हम तो अल्लाह के बंदे थे हम तो अल्लाह के बंदे थे हजरात ये जो डायलाग है जो चलेगा क़ियात के दिन मुशरकों और जिनकी इबादत करते थे हुरआन में तकरीबन सात से आठ जगह पर आया इसकी ख़तरनाकी को बताने के लिए कि दुनिया में तो ये पुकार रहे हैं लेकिन क़ियामत अंजाम क्या होगा ये तो दुनिया में खुद जलील हो रहे हैं कि जिसको सुन जो सुन नहीं सकता जो दे नहीं सकता जिसके हाथ में राय के दाने की ताकत नहीं है उसके लिए तुम पता नहीं अपना माल कितना खर्च कर रहे हो उसके लिए अपनी इंसानियत तुम झुका रहे हो दुनिया में तो इसमें बहुत ज़्यादा तुमको नुकसान है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए मैं कई सालों के बाद इंडिया आया हूँ या इंडिया में रह रहे हैं तो एक चीज़ महसूस किया ये कीद उनकी ख़त्म नहीं थी दूसरी इधर आ रही है ये कीद ख़त्म नहीं होती दूसरी इधर आ रही है ये कौन सी इबादत और फिर पता नहीं किस किस के लिए क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हम इस्लाम की वो से चीज़ें महफूज हैं ताकि आपके जहन में ये जो क़्यामत के दिन होने वाला ये डायलाग सही तौर से बैठ जाए मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ वही मिसाल जो जैस मैंने यहाँ पर लिखा कि लिखा हुआ अभी भी लिखा हुआ है उसको मैं मिटाना चाह रहा था लेकिन मैंने सोचा कि नहीं सोचा कि अच्छा नहीं कि यह कलम चलाऊँ जैसे यानी ईसा अल्लाह के बहुत अल्ला बड़े नबी नबी बहुत सारे थे उन नबियों में पांच नबी सबसे बड़े हैं उलुल आज़मिन रूसुल जिन्होंने अल्लाह के लिए बहुत ज्यादा तकलीफें उठाई हैं जो अल्लाह के लोगों को अल्लाह से जोड़ने के लिए तरह तरह की तकलीफें उठाई हैं पांच बड़े नबी हैं नूअसम इब्राहिम मूसा ईसा और हमारे नबी करीम सलम आजम रसूल उनको कहा जाता है आज की आदि दुनिया उनको पुकार रही कि नहीं पुकार रही है आदि दुनिया ईसाई है जैसे कि कहा जाता है इंसानों में जितने लोग आज के आदि दुनिया ईसाई है वो बुकार रहे हैं अभी दिसंबर भी आएगा पता नहीं क्या क्या होगा ठीक है जैसे उसके नारे लगा रहे हैं और फिर बोर्ड में और फिर ऑटो में उनका नाम इनका नाम बहुत है लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल करना चाहता हूं क्या ईसा हालांकि वो मरे नहीं है ईसा मरे नहीं है क्या ईसा को उनको खबर है क्या ईसा सुन रहे हैं इन लोगों की पुकार कौन कहेंगे क्या कहेंगे क्या जवाब देंगे आप सब बोलेंगे कि नहीं लेकिन इसकी एक वाजह दलील है कुरान में एक वाजह दलील है इसकी कुरान में अल्लाह अल्लाहबालमिन ने बहुत अच्छे अल्फाज में बयान किया है अल्लाह कल क़यामत के दिन कहेगा अल्लाह कल क़यामत के दिन कहेगा मरियमुल नासी वियाँ देखिए कुरान की आयत है कुरान की आयत है मरियम जब अल्लाह कहेगा के दिन, मरियम इधर आओ, आओं क्या तुमने लोगों को यह बताया था कि अल्लाह के साथ साथ मुझको और मेरी माँ को भी तुम माबूद बना लो हमारी भी इबादत करो क्या तुमने लोगों को यह हुक्म दिया था खाला तो ईसा कहेंगे कि सुबह नक अल्लाह तू तो क्या कह रहा है अल्लाह तू तो हर शरीक से पाक है मा माँ कून अलह से भी हक यह नहीं हो सकता है कि मैं ऐसी बात बात कहूं जिस ऐसी उनको बताऊं जिसको कहने का मुझे हक ही नहीं था मुझे हक ही नहीं था कि मैं बोलूं कि अल्लाह के साथ तुम अल्लाह के साथ मुझको और मेरी माँ को भी तुम माबूद बनाओ उन हम दोनों की इबादत करो ये मेरा हक ही नहीं बनता इन तो कुल तुफ फ़कद आलिम था अयल्ह अगर मैंने कहा होता अगर मैंने इन लोगों को कहा होता कि अल्लाह के साथ साथ मैं भी इस लायक हूँ मेरी माँ भी इस इतनी अजीम है कि तुम इबादत कर सको अगर मैं कहा होता तो तू इसको जरूर जानता अल्लाह तो तु, तु जानता है कि मैंने बात नहीं बोली तू जानता है कि मैंने बात नहीं बोली है अच्छा मैंने बोला क्या है माँ कुल्लाबी व अल्लाह मैंने तो उनको यही दावत दी थी मैंने उनको यही बताया था जो बताने के लिए तूने मुझको नबी बनाया था कि देखो इबादत सिर्फ अल्लाह का हक है अल्लाह ही मेरा रब अल्लाह ही तुम्हारा रब अल्लाह ही हर चीज का रब वही हर चीज का रब तो वही अकेला महबूद मैंने उनको यही बताया था कि देखो अल्लाह की इबादत करना वही मेरा भी पर दिखा है वही तुम्हारा भी परव दिखार है मैं कुछ नहीं हूं मैंने उन लोगों को यह बताया है वकुन तो आल मा मादुम तुफी जब तक मैं उनके पास था मैं इसी चीज को उनकी दावत देता रहा यही उनको बताता रहा फलम तव्फ़ तनी कुंता अंतर रकीब आलिम जब तूने मुझको ऊपर उठा लिया था उन्होंने मौत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया है लफ्ज इस्तेमाल किया है तो्फ़ तनी जब तूने मुझको पूरा पूरा ऊपर उठा लिया था फिर उन लोगों ने क्या किया है तुझको मालूम है मुझको नहीं मालूम है अल्लाह अकबर ये ईसा है जो मरे नहीं है ये ईसा है जिनको मौत नहीं आई है वो कह रहे हैं के दिन हालांकि आधी दुनिया उनको पुकार रही है वो कह रहे हैं कि मुझको मालूम नहीं था जब तुने मुझको ऊपर उठा लिया मेरा मुझका कुछ भी रिश्ता नहीं था मुझे मालूम नहीं कि उन लोगों ने क्या किया है अब तू जाने और वो जाने तू जाने और वो जाने तो ये दुनिया की सबसे बड़ी गुमराही है कि नहीं ये दुनिया का सबसे बड़ी गंदी चीज दुनिया की सबसे बड़ी गंदी चीज अब माफ़ फरमाएँ अगर कुछ गलत जुमले बोल रहा हूँ सख्त जुमले होंगे एक वाक्य के ज़रिए आपको बताता हूँ कि शिर कितनी बड़ी चीज़ है बोल रहे हैं कि एक उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहे थे एक उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहे थे तो उन्होंने कहा कि आज इस मोहल्ले में एक शख्स ने अपना नया घर बनाया और नए घर ने नए घर के ओपनिंग के टाइम पर जिनों के लिए बकरे ज़बाँ की उसद ने कहा किताब व का दर्ज दे रहे थे किताबो तो का दर्ज दे रहे थे बच्चों से कहा कि आज इस मोहल्ले में एक शख्स ने नया घर की ओपनिंग के मौके पे जिन्नों के लिए बकरे जबह की तो तलबा ज़्यादा कुछ रिएक्शन नहीं की ज़्यादा रिएक्शन कुछ नहीं हुआ क्या कि ठीक है खलास होगा चलिए पढ़ते हैं अच्छा दूसरे दिन उस्ताद आके कहे कि आज इस मोहल्ले में एक शख्स ने अपनी माँ के साथ जिना किया है तो सारे लड़के भड़क उठे ये कैसी चीज है ये कितना बड़ा गुना हो गया ये कितनी हया हयासोस हरकत इंसानियत से बहुत दूर गंदी चीज ये कैसा हो गया सारे के चेहरे बदल गए सारे गुस्से में आ गए और फिर कह के चलिए चलते हैं उसको जाके सबक सिखाते हैं उसको जाके नसीहत करेंगे ये करेंगे इस तरह की बातें होने लगी तो उस्ताद ने कहा कि तुमने तो ही समझा ही नहीं उस्ताद ने कहा तुमने तो ही समझा ही नहीं ये जो गुना है

इतने खतरनाकी में क्यों नहीं ले रहे हो जब तक नहीं लोगे तो फिर शिरक को हम आसानी में लेते रहेंगे शिर्क को, को देखते रहेंगे बस गुजरते रहेंगे शिरक की खतरनाक को तो समझना है और उसको दूर करने के बारे में सोचते रहना है खासतौर से यह हमारा हिंदुस्तान है हम यहां पर रहते हैं कहते हैं हमारे मुशाह कि के अरब के लोग हम पे रश्क करते हैं हिंदुस्तान में रहने वाले पर रश्क करते हैं कि हम अरब में सारे के सारे मुसलमान हैं हम किसी को दावत देकर जन्नत खरीद नहीं सकते क्योंकि अगर एक हाथ में किसी के हाथ में आदमी मुसलमान हो गया तो जब तक जितने मतलब मतह पड़ेगा जितनी मरतबाना लगाएगा जितनी मरतबा लगाएगा सब जिस आदमी ने जो आदमी सबब है उसके मुसलमान होगा उसको मिलता रहता है कहते हैं कि हम इस नमत से महरूम हैं आप लोग बहुत आसानी के साथ किसी पे एक टारगेट बनाकर एक टारगेट बनाकर आखिरत की तैयारी के लिए आखिरत की तैयारी के लिए कि किसी भी किसी को हमने हिदायत दे दी किसी की हिदायत का सब बन गए तो फिर हदीस है कि नहीं है जो आदमी जिसको जो सही रास्ता दिखाता है तो उस उसके सही उसके बाद उसने जो भी नेकी करेगा बताने वाले को अचर मिलता है अगर आदमी ने किसी को मुसलमान कर दिया तो फिर उसके बाद उसकी जो भी नैकियाँ होंगी मिलते रहेंगी कहेंगे कहें तुमको ये चांस हासिल है तुमको ये फुर्सत या तुमको ये मौका हासिल है कि तुम इसके बारे में कोशिश कर सको ये जो ख़ास तौर से जो माशरए हम साथ में रहते हैं हमें यहाँ पर ये चीज़ की तरफ ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पहली बात तो कि इससे पहले जितने लंबिया अंबिया, अंबिया कराम आते थे या फिर और पीछे चले जाते हैं अल्लाह अल्लाहबूल ने जब आदम सलाम को ज़मीन पर भेजा तो कहा कि अब तुमको जन्नत तो, तो मैं नहीं बुलाऊंगा एक वक्त है तभी बुलाऊंगा बुलाऊँगामत के बाद हिसाब व किताब के लिहाज से लेकिन फिल वक्त तुम जब दुनिया में जब तक तुम हो तुम्हारे पास मैं अंबिया और मेरी हिदायत भेजता रहूंगा किताबों की शक्ल में नबियों की शक्ल में जो उसकी ताबेदारी करता रहेगा वो कल जन्नत का मेरा हकदार बनेगा वाक्य को जोड़िए समझिए आदम आदम्सम को गलती की वजह से अल्लाह ने ज़मीन पर उतारा आदम ने गलती मांग ली अल्लाह ने उनको तबा कबूल कर लिया फिर से वही बड़ा मुकाम बड़ा ऊंचा मुतबा अल्लाह ताला ने दे दिया लेकिन क्या अल्लाह ताला ने फिर से आदम आदमी को जन्नत में बुला लिया नहीं बुलाया कहा कि नहीं अब आजमाइश करके बुलाऊंगा जन्नत मेरी बड़ी अजीम चीज़ है जन्नत मेरी बहुत महबूब चीज़ है अब उसमें उसी को डालूंगा कि मैं तुम्हारे पास कुछ पैगाम भेजूंगा जो उस पैगाम पर चलेगा जो अपनी ज़िंदगी उस तरीक़े के मुताबिक ढालेगा उस हिदायत के मुताबिक चलेगा उसको अपनी अपनी ये नमत अता करूंगा और जो इस रास्ते से हटेगा वो फिर वो जहन्नम की सज़ा का हकदार होगा फिर अल्लाह रबीन ने वो रहमान है जो रहीम है जो रऊफ़ है हर हर जमाने में अम्बिया कराम को किताबों के साथ भेजता रहा ऐसे अम्बिया कराम जो पूरे खुलूसतील के साथ लीलात के साथ एक खैर खाही के जज्बे से लोगों को बताते रहे कि देखो ये अल्लाह का पैगाम है इसको मान लो बशीर बशारत देते रहे अगर कि अगर अल्लाह के इस पैगाम पर पे थोड़ा सा भी अमल कर लिए जन बे बेानतहा नमतों वाली जन्नत बेानतहा नियमतों तो वाली जानत तुम्हारे इंतजार में है और नज़ीर भी बनकर आए कि देखो अगर आज अल्लाह की बात को नहीं माने अल्लाह की बात को तुमने ठुकरा दिया अल्लाह की बात के मुकाबले में अपने नफ्स को सामने रखा शैतान के भाक के सामने रखा तो फिर जहन्नम जैसा सख्त अजाब जहन्नम जैसा सख्त अजाब तुम्हारे इंतज़ार में खड़ा रहा है हर हर नबी हर हर कौम में अल्लाह ने नबी भेजे हर हर जगह नबी भेजा अल्लाह ने किसी को गुमराहि में नहीं रखा तशवीश में नहीं रखा कि किस रास्ते पर चलना है वह अमिन उम मतिन अ ख़ला फ़िया नज़ीर जो भी कौम जो भी लोग थे हर नबी के पास हर कौमों के पास हर जगह अल्लाह ने नज़ीरों को भेजा डराने वालों को भेजा पहले अबिया कर आते थे ख़ास जगह के लिए ख़ास वक्त के लिए और ख़ास कौमों के लिए लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रसूल रसौसलम को सिर्फ ख़ास वक्त ख़ास कौम खास वक्त के लिए नहीं बल्कि आम नबी बना के भेजा अल्लाह ने कहा अल्लाह ने कहा उमा काफतना ka सारी इंसानियत के, के लिए अब सिर्फ मोहम्मद हैं। इनके नबी बनने के बाद जो भी सांस लेगा अगर वो जन्नत में जाना चाहता है अगर वह मेरे जहनम के अजाब से बचना चाहता है तो उस पर क्या जरूरी है उस पर जरूरी है कि वह मोहम्मद पर ईमान लाए नबी को अपना नबी माने नबी के रब को अपना रब माने और नबी ने जो दीन दीन लाया है उसको इस्लाम समझ कर उसको तर्ज ज़िंदगी समझ कर उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी ढालें अच्छा ठीक है लेकिन नबी करीम के हमेशा के लिए थे नहीं थे उनकी एक जिंदगी खास थी चले गए अब लेकिन क़्यामत तक यही रसूल सम का दीन ही है कि जिसके जिसके पर चलने की वजह से कामयाबी मिलेगी इन दीन दीना इनद्ला इस्लाम कल क़्यामत के दिन कामयाबी का मैं इस्लाम है फमीन रसूल अलैहि सल्हस की बताए हुए तरीक़े से हटकर जो बड़ी से बड़ी इबादतें भी करेगा वह अल्लाह के पास शर्फ कबूलियत नहीं पा सकेंगी उसे अजर नहीं मिलेगा तो अब ये सारी इंसानियत तक के पैगाम कौन पहुँचाएंगे रसूल अक्रम सब तो चले गए फिर लेकिन दीन भाग्य है क्यामत तक यही दिन मुहकम है यही दीन ही रायच है दूसरों तक के दिन कौन पहुंचाएगा किसकी जिम्मेदारी है किसकी जिम्मेदारी है नबी करीम सल सुन फरमा दिया कुल हादही सबीली आला खुल हादही सबीली यह तो मेरा रास्ता है यह तोहेद ही मेरा मिशन है यह तोहेद ही सारे अंबिया की तरह मेरा भी दिन है सच्चे रब की तरफ मैं लोगों को बुलाता हूं सिर्फ मैं ही नहीं आना मत आनी मैं भी मेरे परोकार भी, मेरे सच्चे जो पैरोकार हैं मुझको जो सच्चा नबी भी मानते हैं वो जैसे मेरे मे, मेरी जब पर ईमान में शरीक है वैसे ही मेरे इस कार्य दावत में वो मेरे शरीक है मेरे इस कार्य दावत में वो शरीक है वह अल्लाह मशरक मैं हमेशा शिरक की मुखालफत करता रहूँगा मैं हमेशा शिरक के खिलाफ खड़ा रहूंगा अल्लाह को उसकी ज़ात में उसकी सिफात में उसकी इबादत में अलग करता रहूंगा तो फिर किसकी जिम्मेदारी है रसूल अक्रमलम के की इन की उसमें इलमाय कराम ने कहा है कि आयत इम्तहान है ये सिर्फ रसूल अक्रमल्लम के मतबी होने का ज़ुबानी दावा रसूलसम की मोहब्बत का जुबानी दावा नहीं चलेगा इसमें अल्लाह के रसूल ने बताया है कि रसूल अक्रम वसल्लम के सच्चे ताबेदार कौन है वो है जो रसूल की इस कार्य दावत में शरीक है जो रसूल अक्रम ने जिस शौक के साथ जिस लगन के साथ जिस दीवानगी के साथ जिस हिरस के साथ ये पैगाम लोगों तक तो पहुंचाने की कोशिश की उस तरह का जो हिस्स अपने अंदर लाएंगे उस तरह की जो दावत कैफियत अपने अंदर पैदा करेंगे वो है रसूल अक्रम वसल्लम के सच्चे मुतिन नबी करीम सल्लाम के बारे में अल्लाह ने कहा फलामी असफा अरे नबी करीम सल्म मैंने आपको इतना ज्यादा पाबंद नहीं किया है आप अपनी सेहत का ख्याल रखे बगैर आप अपने आराम आप अपने का ख्याल रखे बगैर आप अपनी बीमारी का ख्याल रखे बगैर हमेशा दावत के काम में रहिए नबी करीम वसल्लम किस तरह से दावत का काम देते थे मक्का के लोगों के साथ मक्का में आने वाले काफिलों के साथ और फिर आसपास के जो जो खबीले आबाद थे या जो भी इस तरह के फूत के साथ आते थे किस तरह रसूल करमलम एक एक लम्हा एक एक मौका दावत के लिए तलाश करते थे वो बहुत एक लंबा मौजू है बस इतनी उसकी बात के लिए इतना काफ़ी है कि हमारे नबी करीम सम का लखब क्या रसूल है रसूल्ला हर नबी का एक लखब है आदम असम को कहते हैं सफ़ी उल्लह या मूसा साहब को कहते हैं कलीमुल्लह रू ईसा इसम को कहते हैं रूसुल्ला हर नबी का एक लखब है चाहे वो मनसूस ना हो लेकिन उम्मत में मशहूर है मरूफ है हमारे नबी मोहम्मद इन आबदिल्ला का लखब क्या है रसुल्ला यानी रसूल सब की पहचान रिसालत से है रसूल अकम उसम ने दावत का काम इस दीवानगी के, के साथ इस दिलचस्पी के साथ किया है कि नबी करीब का खास लब सारे नबियों में खास लकब रसोल के वो नबी जो अपनी रिसालत अदा करने में दीवानगी की हद तक हद हद से बढ़कर जो जिन्होंने इस नबीयत का इसका हक अदा किया है तो अगर हमें रसूल का सच्चा फर्माबरदार बनना है अपने आप को रसूल की नस्बत से जोड़ना है तो सिर्फ ये कि मैं रसूल का मतबे हूँ अपनी ज़िंदगी में मुझे रसूम से बेपना मोहब्बत है वो मोहब्बत माँ से बढ़कर कर बीवी बच्चों से बढ़कर अपने बच्चों अपने हर चीज़ से बढ़कर अपने नफ़ से बढ़कर है इतना काफ़ी नहीं है इस आयत की तफसीर जाकर पढ़िए इस आयत की तफसीर जाकर पढ़िए इसकी तफसीर में यही लिखा गया है कि आना वो मनी तब आनी रसम तुम पढ़वा रहे हैं कि जो मेरा हकीकी हकीीकी जो मेरा हकीकी पैरोकार है जो मेरा हकीकी मतबी है वो मेरे इस काम में शरीक है अल्लाह ने पे वाजिब भी किया अल्लाह ने कहा बोलता अमत मोहम्मद या तुम्हें एक कौम होनी चाहिए पूरी उम्मत ने चाहिए कोई जमात ऐसी होनी चाहिए जो इस काम में लगे रहे हर तरह के दूसरे लोग अगर दूसरे कामों में लगे हुए हैं हर काम कई तरह के काम हो सकते हैं लेकिन उन हर तरह के कामों में हर तरह के फील्ड में उन कामों में हर तरह की फील्ड के कामों में एक काम यह भी होना चाहिए कि तुम में कोई एक जमात हो जो कामयाबी का एक पैगाम उन लोगों तक पहुंचा तेरे जिन तक पहुंचा नहीं है यह तुम्हारी जिम्मेदारी है अल्लाह ने खैर उम्मत कहा हमको शर्त के साथ कहा कुन तुम खैर उम्मत उ तुम खैर उम्मत हो मैं तुमको बेहतरीन उम्मत बना रहा हूं तो एक चीज की वजह से एक शर्त के साथ बता बना रहा हूँ किमरून अबिलूफ़ ही वतन हा मुनकर सबको माना मालूम है लेकिन अगर मारूफ अभी जो मैंने मिसाल दिया था आपको आप खाना खिलाने को या किसी बीमार पुरसी की बीमार पुरसी करने को या फिर एक के किसी मोहताज की मोहताजी की दूर करने को आप तोहैद से पढ़ कर मरूफ समझ रहे तो हमारी गलती है मारूफ में सबसे बड़ा मारूफ क्या है और शिर मुनकर में सबसे बड़ा मुनकर शिरक से रोकना है शर्क से ना रोके बाकी सारी चीज़ों से रोकें फिर हम क्या का हक अदा नहीं कर रहे हैं हर चीज की दावत दी जाए हर चीज़ की दावत दी जाए कि इस्लाम में एक खूबियाँ इस्लाम में ये खूबियां हैं इस्लाम रसूल है, रसोसम हमारे ऐसे थे अल्लाह जजाय खैर दे अभी जो हमसे पहले अपनी तकरीर सुनी नबी करीम सल्ला वसम की जिंदगी के चंद खास पहलू ये सबसे बड़ा पहलू जिसके खातिर नबी करीम उनके दान शहीद हुए जिसके खातिर नबी करीम का मुबारक चेहरा जख्मी हुआ नबी करीम का मुबारक चेहरा सबसे कायना चेहरा आपको मालूम है कि इसी तोहहीद की वजह से चेहरे पर थूका भी गया है। जी हाँ अबू जहल अबू लहब के बेटे ने थूका था किस चीज के खातिर सिर्फ तोहहीद के खातिर वरना रोीन थे शादी को अमीन थे सब लोग दिल से इस बात को तस्लीम करते थे रसूल को सारी तकलीफें किस वजह से आई की इबादत के लायक होने की बात छोड़ दो तुम आज ही से हमारे सरदार हो हमें तुम्हारा से कोई झगड़ा नहीं तुम हकीकत में अच्छे नौजवान हो बेहतरीन नौजवान हो लेकिन ये जो कहते हो कि हम काबतुल्ला में रखे हुए इन शफा और उस को ना माने हम इस पर राजी नहीं हैं हम शुरू से अल्लाह की इबादत करते हैं फिर ये है हमारे ये जो अवलियाँ हैं इनके सामने भी झुकते हैं इनके इनके पास झुके बगैर हमारा दिल तस्लीम नहीं होता फिर रसूम कह रहे थे कि नहीं तुम जहनमत में जाओ जब तक दिल इस पर राजी नहीं होगा कि वह अकेला इबादत का अखदार हुआ है ठीक है रसूल ठीक है नबी ठीक है वली वली वली, वली अपनी जगह है लेकिन इबादत में वो शरीक नहीं होंगे जब तक इस तोहैद इस जज्बे की तरफ नहीं आओगे तो फिर जन्नत की नियमत तुम पर महरूम है इसी बात से उनको झगड़ा था अगर चाहते तो रसूम छोड़ देते वरना एक साथी अमीन थे वो बड़ा मकाम था रसोल अक्रम सला वसलम का रसूल इस बस उनकी दुश्मनी इस मानी में थी वरना कि सारे मानों में रसुल को मानते थे लेकिन जो हमको उम्मत है जो खैर उम्मत है कि मरूफ का हुक्म और मुनकर से रोकना में सबसे पहला मरूफ तोहहीद है और सबसे मुनकर जिससे रोकना है वो शिरक से रोकना है ये चीज़ हम पर ज़रूरी होती है ये चीज़ हम पर आईद होती है ख़ासतौर से इस माहौल में जिस माहौल में हम जी रहे हैं जहाँ हमारे साथ हमारा मुस्तबिल का एक खौफ है हम पर अल्लाह का शुक्र है एक मौका था एन आर सी का और पता नहीं सी ए का अल्लाह ही ने निकाला किसी और ने नहीं निकाला वरना दुश्मन ने पता नहीं कैसा आज़म किया हुआ था दुश्मन ने पता नहीं कैसा आज़म किया हुआ था अभी हम इस कर्नाटक में पता नहीं कैसे कैसे वाक़ात देकर आए हैं हिजाब का मसला हो या फिर आ, किसी खाने पर पाबंदी का मसला हो या फिर हमारे मुसलमानों से जो रिजर्वेशन तालीमी रिजर्वेशन खींचने का मामला हो लेकिन शेख जो शेख हजर साहब जब बात कर रहे तो उन्होंने एक बात बताई थी एक बात कि देखो अल्लाह की मदद सच्चे मोमिनों के साथ रहेगी अल्लाह की मदद सच्चे मोमिनों के साथ रहेगी अल्लाह का कानून है अल्लाह ने कहा लदीन आ मनु अनिल आ मनु सुल मोहम्मद की आयत सुल क्या है जो रसूल अक्रमल्लम को जब उमरे से रोका वापस किया गया था रसूल अक्रमल कायनात के सबसे सबसे बड़े बंदे जिनके दिल में अल्लाह की सबसे ज़्यादा अजमत थी अल्लाह के सबसे बड़े बंदे रसूल अक्रम सल्ला जिनकी जुबान से बढ़ किसी और की जुबान ने अल्ह की तारीफ बयान नहीं की है जिनके दिल के जिनके दिल के बढ़कर किसी और के दिल में अल्लाह की आजमत नहीं बैठी है वो अल्लाह के बंदे अल्लाह की सबसे मुखद तक को उम्र के लिए जा रहे थे वापिस किया गया अल्लाह ने कहा इन फिलहु इसका तर्जुमा में आया है कि अल्लाह ताला अपने सच्चे बंदों के दुश्मनों को खुद हटा देता है अल्लाह ताला अपने सच्चे बंदों के दुश्मनों को खुद हटा देता है लेकिन यह हल्ला हटाता है क्या सच्चे मोमिन बनते सच्चे मोमिन बनते कब है उसके बारे में अल्लाह ने कहा इन तनसुर तंसरकुम तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह की मदद को अपने सामने पाओगे अल्लाह की मदद से मुराद क्या है तफसीर में आया है कि अल्लाह के दीन की मदद अल्लाह को अल्लाह तो अल्लाह कदिर है अल्लाह कादिर है अल्लाह मुखदिर है अल्लाह में जर्रा भी आय नहीं है अल्लाह में जर्री कमी नहीं है अल्लाह में ज़र्री की नहीं है अल्लाह को किसी मदद की जरूरत नहीं है अल्लाह की मदद यानी अल्लाह के दीन की मदद इसके दीन की हिफाजत करके इस दीन इसके इसको दूसरों तक तो पहुंचा तो करके अल्लाह ने कहा कि मेरी दीन की मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस खतरनाक हालात में हम खड़े रहे अल्लाह से दुआएं करते रहे अल्लाह हमको कभी नहीं छोड़ा नहीं छोड़ेगा अल्लाह तला जब ये दीन का काम रसोल ने जब अकेले शुरू किए थे ये दीन का काम रसूल हम अकेले एक बंदे थे जब ये दीन का काम शुरू किए थे वो भी मौका था कि काबतल्ला के सहन में रसूल रसूलकमल की पीठ पर एक ऊंट की ओजड़ी जो कितने किलो की होगी ऊंट की ओजड़ी कितने किलो की, की, की होगी दस पंद्रह किलो से तो कम नहीं होगी कम अज़ कम ला कर रख दी गई साहब कराम इतने मजबूर हैं साब साहब क्राम भी लेकिन इतने मजबूर हैं इतने कमज़ोर हैं इतनी उनकी ताक़त नहीं है न सियासी ताकत न किसी तरह की ताकत कि अपने हाथों से जाके कायनात की उस मुकदस पीठ से वो गंदगी हटा सकें कोई साहब ही जाके आते फातिमा को खबर कर देते हैं जा जाके देखते रहे बाप पे क्या गुजर रही है वो फातिमा दौड़ते दौड़े आती है फिर अपने मुबारक हाथों से वो गंदगी साफ करती हैं रोती हैं लेकिन आज अलहमद ला टी वी देखिए लव देखिए मक्का का माशाला अल्लाह का वादा है अल्लाह का वादा है अल्लाह का दिन सर बुलंद होकर रहेगा लेकिन अल्लाह ने शर्त लगाई है इन तनसुर ने कुरान में कहा सच्चा अल्लाह ताकी के साथ कहता है कि अल्लाह उस शख्स की जरूर मदद करेगा ये अल्फाज जाके किसी आलिम के पास पढ़ के पूछिए कि इसमें लुगवी लिहाज से अरबी ग्रामर के लिहाज से कितने ज्यादा ताक़ीद के अल्फाज आए हैं ये तो अल्लाह कह रहा है कौन कह रहा है अल्लाह कुछ जिसकी ही कुदरत है जिसकी ही चलती है जिसके चाहने ही से होता है वो अल्लाह कसम खा के कह रहा है वाला उस शख्स की जरूर भी जरूर मदद करेगा जो उसकी मदद करेगा उसकी मदद से मरात इसकी दीन की हिफाजत और उसके दीन को दूसरों तक तो पहुंचाने के लिए कोशिश करते रहना यह हम पे जरूरी है तभी हम मदद के मोहताज है ना हम मदद, मदद के इंतजार में है हालात अल्हम्दुलिल्लाह पहले कितने बुरे थे मालूम है लेकिन अल्लाह का शुक्र अभी हालात हालात हाला थोड़े नॉर्मल हुए हैं और ये पता नहीं दुश्मन किस किस चाल में बैठा हुआ है हमें अल्लाह की मदद चाहिए यहाँ पे रहने के लिए तो हमें अल्लाह की मदद करना है इस दिन के लिए खड़े होना है जिस लिहाज से भी कर सकते हैं जिस लिहाज से भी इसको फैला सकते हैं यह चीज़ हम पर का जरूरी है ये दावत का काम ज़रूरी है अल्लाह के आजाब से बचने के लिए अल्लाह के आजाब से बचने के लिए कुरान में कहा मेरी इस वाज पैगाम को मेरे वाज पैगाम के आ जाने के बाद जो लोग इसको छुपाते हैं बयान नहीं करते इसको अपने हद तक महदूद करके रखा है इसको अपने हद तक महदूद करके रखा है इसको फैलाने की फिक्र नहीं है इसको बताने की फिक्र नहीं है किसी किसी के साथ जिसको यह हिदायत हासिल नहीं है जो अपने सच्चे खालिफ को छोड़कर मखलूक के सामने झुक रहा है उसके साथ पच्चीस साल से हैं बीस साल से हैं दस साल से हैं हर तरह का ताल्लु उनके साथ से है लेकिन ताल्लुक नहीं है तो यह है कि भाई वो इतनी गुमराही में है वो इतनी बेवकूफ़ी में है ऐसे को पुकार रहा है जो सुन ही नहीं सकता जो मखरूक है जिसके जिसके हाथ में राय के दाने की ताकत या उससे भी कुछ भी हिस्सा नहीं है उसकी बताने की फ़िक्र नहीं है कभी दिल में यह हलचल पैदा नहीं हुई कि मैं जैसा उसको दुनिया की खैर की बातें उसको बता देता हूँ दुनिया की नफे की बातें उसको हमेशा बताता रहता हूं अल्लाह का तारुफ उसको करवा दू ये जो सबसे बेहतरीन नबी हैं रहमत दिन के साथ जुड़ी है दिन की तालीमत पर चल कर ही आदमी दुनिया में भी कामयाब हो सकता है खबर में भी महफूज हो सकता है आखिर में भी कामयाब हो सकता है उसकी बताने की कभी चिंगारी दिल में नहीं आई तो फिर ये कैसा ईमान हम कलीमा जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि अशहदु अशहद अल्लाह अल्लाह मैं गवाही देता हूं मैं गवाही देता हूं कि नहीं है कोई इबादत के लायक सिवाय उस अल्लाह की वाहिद जात की वह बात की गवाही देता हूं कि फिल वक्त के जो, जो, जो नबी है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न है हजरात गवाही क्या होती है क्या नहीं होती है उसकी जाके तलाश कीजिए कहते हैं कि बात को अपने नफ्स में रखना यह गवाही नहीं है बात को किसी भी बात को सिर्फ अपनी जात तक महदूद रखना यह गवाही नहीं होती है ये गवाही उसी वक्त होगी कि जब चाहे कि दूसरों को बतलाऊं चीख चीख कर पुकार के कहूं कि हक है सच ये है मैं यहाँ पे जब झगड़ा हुआ तो मैं मौजूद था उसने पहले हाथ उठाया था पहले उसने जुबान खोली थी तब होती गवाही खुद अपने अंदर रखू और कभी इसका दूसरों के सामने इजहार ना करूं कि हाँ मैं मुसलमान हूं हाँ मैं एक अल्लाह का एक अल्लाह का मैं बंदा हूं हूँ दूसरों के सामने मौका बोलने में कहूँ कि हाँ मैं किसी के सामने झुक नहीं सकता किसी गैरुल्लाह के लिए मैं कुछ जुबा नहीं कर सकता ये जो माल है ये जो सदका है किसी गैरुल्लाह के नाम पर मैं नहीं दे सकता जब तक उसको दूसरों के सामने बयान ना करूँ यह खुद हमारी शहादत कामिल नहीं है यही सरह, इसकी यही इस, ए, क्या तफसीर की गई है कुरान में आता है शहीद अल्लाह ला ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इसकी तफसीर में बहुत सारे बातें आई हैं उसकी बात का खुलासा होता है कि शहादत कब होगी जब दूसरों के सामने बयान किया जाए ये मेरे अपने ईमान के लिए अपनी शहादत को कामिल करने के लिए ज़रूरी है कि मैं दूसरों के सामने इसको बयान करूं और अल्लाह के अजाब से बचने के लिए खुद अपने ईमान की हिफाजत के लिए दावत करना ज़रूरी है वरना नहीं जब हमने ये जो अल्लाह का वो दीन जिस पर अल्लाह राज़ी हुआ अलियामल अतमम अकम तोम न्यामती अल्ला ने न इस्लाम ही न्यामत है इस्लाम ही नामत है इस्लाम से हट कर कोई न्यामत नहीं है सब लोग बड़ी परेशानी में जी रहे हैं इस्लाम को छोड़ कर देखिए आज लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं अलहद अल्लाह इस्लाम लोग कबूल करते रहेंगे चाहे हम दावत का काम करें ना करें कुछ भी करें थोड़ा भी करें लेकिन अल्लाह ने दीन भेजा है गालिब होने के लिए वोल्लि अरसला रसुल बिलहुदा दिन अल्हा ये दीन ज़ाहिर होकर रहेगा गालिब होकर रहेगा इस दिन की सदाकत साबित होकर रहेगी अल्लाह किसी न किसी को इसके लिए खड़ा करेगा कुछ दीवाने इसके लिए होंगे अब यह है कि मैं इसमें कितना हक हा, अदा कर रहा हूँ ये अपनी मर्जी है लेकिन जब हमने हिंदुस्तान में ये जो अल्लाह का ये दिन जो हर लिहाज से कामिल है जो हर लिहाज से अच्छा है चाहे अकीदे के लिहाज से हो चाहे तिजारत के लिहाज से हो चाहे मीशत के लिहाज से हो चाहे माशरत इज्तिमात के लिहाज से हो इस्लाम हर लिहाज से कामिल है कि नहीं है अल्लाह ने तीन को इसी को कामिल कहा अल अकमल तो नकुम इसी की तालीमा सबसे कामिल तालीमात हैं जो इंसान की नफ्स को भी बढ़ाती हैं इंसान के जहन को भी बढ़ाती हैं इंसान के जिसम को भी बढ़ाती हैं इंसान के माहौल को भी दुरुस्त करती हैं इंसान के इस मोहल्ले को भी अच्छा करती है और फिर हर चीज को जब इस अल्लाह के इस खूबियों वाले दिन को जब हमने नहीं पहुंचाया, दूसरे लोग उल्टा उल्टा हमको अपनी दिन की तरफ बुला रहे हैं घर वापसी का किस्सा आपको मालूम है घर वापसी का किस्सा हमको ज्ञान दिया जा रहा है ज्ञान या गान दिया जा रहा है कि तुम्हारे जो पुराने लोग थे तुम्हारे जो चौथी पांचवी नस्ल जो तुम्हारे दादा दीन थे उस पर आओ हमारा दीन बेहतर है कौन से दिन की तरफ जिसमें घी जलाया जाता है जिसमें दूध बहाया जाता है जिसमें पता नहीं क्या क्या पिया जाता है जब हमने इस्लाम की खूबियां नहीं बयान की, जब हमने इस्लाम की खूबियां नहीं बयान की, अब वो लोग उल्टा हमको अपने दीन की तरफ बुला रहे हैं देखिए ज़रूरी है जब हम नहीं करेंगे तो फिर दूसरी तरफ से होगा अब इस्लाम इतना जब हमें हमारा यकीन है यकीन है कि नहीं है, वो रजिया रजीत बिल् रबा अबू इस्लामी दीना अभी मोहम्मद वसम नबी और रसोल्ला इस्लाम को मैं बतौर दिन मैं राज़ी हूँ यानी हर तरह से कामिल दीन है हर तरह से कामिल दीन है अल्लाह ने हमको पैदा किया है कि हम लोगों को गुमराही से निकालें बंदों की बंदगी से निकाल कर उस सच्ची इबादत की तरफ लाएँ दूसरे अध्ययन का जो झुलम है दूसरे अध्ययन का जो जो जुल्म ढा रहे हैं इंसानों पर मैंने अभी कहा कि एक पे ईद एक पे ईद एक पे ईद पता नहीं कितनी ईदे हैं किस तरह के इंसानों पर जुल्म है किस किस तरह की पाबंदियां हैं उन सारे पाबंदियों से निकालने के लिए हमको भेजा गया था बहुत सारी तंगियों से निकालकर दुनिया की तंगियों से निकालकर इस अजीम रहमत की तरफ बुलाने के लिए हमको बर्पा किया गया था जब हम नहीं कर रहे हैं तो फिर हमको गुमराही की तरफ बुलाया जा रहा है तो इस जब हालात इसने इतने ख़तरनाक हो गए हैं तो हम पर ज़रूरी बनता है कि हम जितना हम हो सकता है जिस लिहाज से हम हो सकता है कि हम दीन का काम करें किस किस तरह से हम कर सकते हैं दो तीन चीज़ें मैं इन शह बताने की कोशिश करूँगा हज़रत हम बार बार कहते हैं कि इन नमल आमालू बिन नियात इन नमल आमाल बिन नीयात आमाल का दर व मदार नीयतों पर होता है यानी नीयत जितनी ज़्यादा मजबूत है आपके अमल का अजर उतना ज़्यादा पड़ेगा हमें अपने दिल में ये उम्मीद रखना है कि मैं इन कभी किसी ना किसी को जब भी मौका मिले उस सच्चे रब की तरफ बुलाऊंगा ये उसी का बंदा है ये उसी का पानी पी रहा है ये उसी की हवा लेकर जी रहा है बस इबादत में गुमराह हो गया है मुझे जब भी मौका मिलेगा मुझे उसको सच्चे खालिक की तरफ कि उसको मुझे पहचान कराना है मुझे उसकी तरफ लेके जाना है थोड़ा सीख के रखिए जैसे दावत के तरीक़े जैसे हर एक हर एक फ़न का एक तरीक़ा होता है जो भी काम होता है उसको करने का एक तरीक़ा होता है सिखलाया जाता है कोर्सेस होते हैं अगर मुझे शौक़ है तो मुझे सीखना चाहिए बल्कि शौक़ पैदा करना चाहिए और सीखना चाहिए आम तरह के सवाल होते हैं कि किसने पैदा किया क्यों पैदा किया मरने के बाद कहाँ जाएंगे ये सवाल होते हैं जिससे हम अपनी इब्तदा कर सकते हैं बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं उनसे हम तजुर्बा ले सकते हैं इस तरह का एक कोई तरीका सीखना चाहिए हमें कि अगर मौका मिल रहा है अगर हमें कहीं पे बात हो रही है तो इन उस सच्चे रब की बात जिसका मैं खाता हूँ जिसका मैं पीता हूँ जिसने मुझे माँ बाप दिए जिसने मुझे दौलत दी जिसने मुझे दूसरों से मु, मु, दूसरों की मोहताजगी से बचाया मुझे उसकी दावत देना है ये जो आदमी जहनम में जाने वाला है ये जो आदमी कल इसका हशर बुरा होने वाला है मुझे कैसे उसको जहन्नम से बचाना है ये फिक्र अपने अंदर पैदा करनी चाहिए इसकी नीयत होनी चाहिए और कुछ ना कुछ मामूली तरीका सीखना चाहिए हदिया वगैरह देना भी एक तरीक़ा है हम एक डॉक्टर है जिसके पास हम कई सालों से इलाज करा रहे हैं फैमिली डॉक्टर है एक है हमारे घर का काम वही करता है ख़ास खास, खास शबे में हमारे खास खास लोग हैं बड़ी मोहब्बत है हर हमारे हर खुशी गमी में शरीक होते हैं लेकिन अगर हमने आज तक उसको सही खालिक की मारिफत नहीं कराई है तो हम क्या इस दावत का हक अदा कर रहे हैं लोग डरते होंगे पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा क्या होगा देखिए मैं आयत आते हैं पढ़ कर आया आयतें पढ़ कर अल्लाह का वादा वाला सुरैन सुर वोलां सुन अल्लाह मैं सुर बहुत खतरनाक बहुत ही जाम अल्फाज है जो अल्लाह की दीन की मदद करता है अल्लाह उसकी जरूर मदद करेगा अल्लाह बचा लेता है अल्लाह रास्ते खोल देता है अरे जमीन उसकी है हवा उसकी है फिजा उसकी है डर इस अगर मैं डर रहा हूं तो इस बात की अलामत है कि अभी मेरे दिल में अल्लाह की कुदरत पर यकीन सच्चा नहीं हुआ हिगमत ज़रूरी है हिमत ज़रूरी है लेकिन सिर्फ डर के बैठे रहेंगे काम नहीं होगा जितने लोग हदिया देते हैं सब लोगों सब लोग कहते हैं कि जब लोग दिए जाते हैं तो बहुत खुश होते हैं कितने सारे तजुर्बे कितने सारे तजुर्बे बेंगलुरु का एक वाक्य है कहीं एग्जीबिशन लगा था कुरान बांटा जा रहा था तो बोलते हैं कि एक बुरी औरत ने कुरान लिया और जारो ज़ारोतार रोने लगी बहुत ज़्यादा रोने लगी पूछा गया कि क्या बात है कहा कि इस कुरान की तलाश में पता नहीं मैं कितने साल से उससे लगी हुई इस कुरान की तलाश में पता नहीं मैं कितने सालों से लगी हु इस तरह के बहुत सारे वाकत हैं बहुत सारे वाक़ हैं आप क्या कर रहे हैं आप उसके साथ धोखा दे रहे हैं नहीं उसके साथ आप भलाई कर रहे हैं भलाई हजार करें खाना खिलाएं के, के पानी पिलाएं क्या उसकी मुसीबत में साथ दें लेकिन सबसे भलाई ये है कि वो जो शिरक जो उसको दायमी जहन्नावी बनाएगा उस शिरक से आप उसको बचा रहे हैं उसके सच्चे खालिफ से आप उसको जोड़ रहे हैं इससे बढ़ के भलाई क्या है लेकिन ये चीज़ जहन में होनी चाहिए मैं भी बोल मैं भी यहाँ पे बैठ के बोल रहा हूँ लेकिन अगर ये सिर्फ ज़ुबानी बातें हैं तो मैं भी अपनी बातें पक्का नहीं हूँ अल्लाह मुझको भी तोफेक दे अल्लाह आपको भी तोफेक दे इस इस्लाम इस 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 पर सच्चा यकीन एक सच्चा अहतमाद तभी होगा कि जब मैं इसके दिन का काम का दिन दिन का काम करूँ रसूल अक्रमजन की सीरत पर कुछ किताब हमारे पास हो आज कल पैदा किए जाते हैं इस्लाम पर एतराज़ा पैदा किए जाते हैं लेकिन हमारी उम्मत का बहसत उम्मत हमारे एक अलमिया है कि उन एतराज़ा का एक अच्छा जवाब जो गैर मुश्तमों के जहन को सामने रख कर लिखा गया हो जो बहुत ही अच्छे जाम अरफ़ास के साथ बहुत ही अच्छे दलाइल के साथ हो बहुत कम है हैं हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं है हैं लेकिन हमें इस तरफ दो देने की ज़रूरत है जैसे हम बहुत सारे दिन की रफाई काम कर रहे हैं हमारे पास एक लंबी लिस्ट है रफाही कामों की उसमें एक काम ये भी होना चाहिए कि जो आए 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 दिन एतराज होते रहते हैं ये एतराज कोई, कोई कोई पुराने नहीं हैं कुरान में इसका जिक्र है हर नबी के साथ वो एतराज किए गए हैं खुद अभी हमारे हिंदुस्तान में भी अभी पचास साल पहले सबराज़ एतराज किए जाते थे उस वक्त के केमा कराम अपनी अपनी इस्तात के लिहाज से उस जमाने के माहौल के लिहाज से उस जमाने की ज़ुबान के लिहाज से जवाब देते दे थे लेकिन आज जमाना बदल गया है आज का जहन दूसरा हो चुका है आज इंसान दूसरे लिहाज से सोचता है तो आज के लिहाज से क्या उन ताज़ा का जवाब हमारे पास मौजूद है हकीकत में उतनी क्वालिटी वाला नहीं है जुबान के लिहाज भी अगर कन्नड़ की भी पॉम्फेट वगैरह देखते हैं बोलते हैं कि क्योंकि उमाय करा में कोई माहिर कन्नड़ जुबान जानने वाले की बहुत कमी है हो मिलेंगे ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे लेकिन एक जितनी तादाद होनी चाहिए जो जिससे हक अदा हो वो चीज़ नहीं है ये हम सबकी जिम्मेदारी की इस जानब हमें तो हैं और एक ख़ास चीज़ मैं इस चीज़ को जिक्र कर रहा हूं अब हो सकता है कि जहां जहां मौका होता है जिक्र करता हूं हो सकता है कि अल्लाह ताला पता नहीं किस मर्द मुसलमान को खड़ा कर दे ये जितने डिबेट चलते हैं प्राइम टाइम में ये जितने डिबेट चलते हैं इस्लाम की तरफ से नुमाइंदगी करने वाले बहुत कमज़ोर होते हैं एक तो इल्म के लिहाज से मजबूत होना चाहिए इल्म के लिहाज से मजबूत होते हुए ज़ुबान चलाना का फ़न ये फन ने मुनाजर होता, मुनाजरा फन होता है एक मुनाजरा फ़न होता है जिस तरह से डब्ल्यू डब्ल्यू एफ़ या फिर इस तरह की चीज़ें होती हैं इस तरह का एक फ़न होता है ये इस तरह का जानने वाला और सामने के मज़हब को समझने वाला लेकिन बहर हाल सब लोग इस बात पर मुतफ़ हैं कि आज जितने लोग इस, इस्लाम की तरफ से इस्लाम की नुमाइंदगी करते हुए उस डिबेट में हिस्सा लेते हैं वो कमजोर होते हैं इल के लिहाज से या बोलने के लिहाज से या बातिल के ब, ब, सामने वाला जो शुबा पेश कर रहा है उसका शुबा उसको किस तरह से जवाब दिया जाए उसके लिहाज से आज उम्मत पे फर्ज है उम्मत पे मैं नहीं कहूँ कि अहलेदीसों पर अहदीस ही ज्यादा काम कर सकते हैं ये उम्मत पे फर्ज है कि ऐसे माहिर अफराद ऐसा पैदा कर सकें कि जो जो जहाँ के वहां पे जो उस जगह पे इस्लाम को रसुआ होने से बचा सके, इस्लाम का हक अदा कर सकें इस्लाम हक है इस्लाम ही में सच्चाई है इस्लाम के अलावा सच्चाई का नाम कुछ भी नहीं है सारी सच्चाई सारी खूबियां इस्लाम ही में जमा है बाकी सब बातिल है लेकिन हम में ऐसे अफराद होनी चाहिए जो पूरी कवत के साथ पूरी पूरी यकीन के साथ ये सच्चाई साबित कर सकें ऐसे अफराद पैदा करना जरूरी है जैसे हम मदरसों में हफाज पैदा कर रहे हैं उलमा पैदा कर रहे हैं आज की जरूरत यह है कि अच्छी अंग्रेजी बोलने वाला अच्छी जो जो भी जो भी जिस शूबे का है उस जुबान में अच्छी जुबान जानने वाला इस्लाम को गहराई से पढ़ा हुआ और उस बात जो सामने वाला जो मजहब है जो सामने वाला शुबा है उसको तरह से पूरी तरह से इम रखने वाला और अच्छी तरह से जवाब देने वाला यह हक है इस्लाम के अलावा कोई हक नहीं है यह हक है यकीन है, सच है इसको साबित करने का अंदाज़ होना चाहिए डिबेट में हिस्सा लेने वाले माहिर अफराद को पैदा करना उसको बनाना उसके लिए खर्च करके उनको एक अच्छा माहौल देकर जमा करना यह हमारी ज़िम्मेदारी है और फिर एक चीज़ जो आज हमें दावत के लिए ज़रूरी है हम दावत में उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि जिस मजहब या जिस मजहब के आदमी को हम दावत दे रहे हैं उसके मजहब को ना समझ सकें ये कहते हैं कि ये बड़ा अजीब मामला है कि हम हिंदुस्तान में हमारी इस बरदरान वतन मुल्की भाइयों के साथ रहते हैं लेकिन आज तक हमने उनके मजहब को नहीं समझ सके इनकी अलग अलग ईदें इनका एक ख़ास खलफिया है एक ख़ास बैकग्राउंड होता है जिसकी पे ईदें होते हैं इनके दुकान के नाम ये ख़ास नाम के साथ होते हैं इनके आटों पे लिखे गए नाम या इनके स्कूलों में ये ख़ास मूर्तियाँ या दुकानों में इनकी खास मूर्तियाँ या ये के इनके जो अलग अलग टीके हैं इनके किसी के चौ किसी के चौड़े होते हैं किसी के लंबे होते हैं किसी के गोल होते हैं ये ख़ास चीज़ें हैं ये इनके खास इनके अंदर अलग अलग तबकतार इनके अंदर अलग अलग जमातें हैं हमें ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि क्योंकि सामने आदमी सामने वाले आदमी को जब मैं समझूंगा तो उसको सही बात पेश कर सकूँगा जैसे डॉक्टर इलाज उसी वक्त बेहतर कर सकता है जब वो बीमारी को समझ गया हो वरना है कि उसका पता नहीं बीमारी कुछ और वो दवाएं दवाइयाँ हो, हो सकता है महंगी दवाएं दें लेकिन उस बीमारी की नहीं है तो इलाज नहीं होगा ये ऐसी ही चीज़ है लेकिन हम इस मामले में कोता हैं हमने उनका मजहब समझा ही नहीं हमने इनकी ईदें किस लिए होती हैं किस ईद के पीछे कौन सा राज है किस मूर्ति के पीछे के उनका क्या अकैदा है क्या उस वक्त तो सही बात सही आयत पढ़ सके देखिए कुरान ने खुद तफरीक है कुरान ने कभी कहता है आयतल या अक़िल कभी कहता है कुरान आयत आयतल़मी या स्मून कभी कहता है आयत आयतली यालमुन ये आयतें पढ़े ये इसमें ये निशानियाँ पढ़े लिखे लोगों के लिए ये निशानियाँ अच्छी ठंडी तबीयत रखने वालों के लिए ये निशानियाँ अक़ल वालों के लिए ये ये निशानियाँ और फिर अल्लाह ने ख़ुद कैटेगरीज़ बनाया है अल्लाह ने ख़ुद बताया कि ये निशानियाँ इनके लिए बेहतर है ये जुमले तुम इनके सामने ज़्यादा पेश करो तो फिर हम एक दावत एक फ़न है तो उसके लिहाज से अल्हम्दुलिल्लाह जो कोर्सेस चला रहे हैं लोग ऐसा नहीं कि नहीं चला रहे हैं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह है मैदान है आप भी यहाँ पे इस मस्जिद में भी कायम करें और ख़ुद ऐसे जैसे ही दावत के कोर्स हो रहे हैं तो उसमें कम से कम ये कि मौका पड़ने पर मौका पड़ने पर मैं अल्लाह का दिफा कर सकूँ मैं रसूल अकरम का जो मुझ पर नबी होने का जो हक़ है उ, उसका मैं दिफा कर सकूँ उसका तो मुझे भी होना चाहिए उतना मैं इल्म हासिल कर सकूँ उतना सीखना चाहिए उतना पढ़ना चाहिए कि मौका पढ़ने पर कभी कभी क्या होता है बैठ के गुफ्तगू होती रहती है अल्लाह के बारे में क्यों डिस्कस नहीं करते लोग करते हैं चूंकि खुदा का तस्वूर इंसान की कमजोरी है या इंसान की ज़रूरत है हर हर इंसान अल्लाह ने इंसान को, अल्ला को पैदा किया अपनी इबादत के लिए अल्लाह ने इंसान को पैदा किया इबादत के लिए तो इबादत इंसान की जरूरत है खुदा का तस्वूर इंसान की जरूरत है कभी जब लोग बैठते हैं तो बातचीत होती रहती है लेकिन अगर मैंने अल्लाह के बारे में इतना नहीं जाना कि दूसरों के सामने ज़ुबान खोल सकूँ क्या अल्लाह कौन है सच्ची इबादत का लायक कौन है किसकी वो ही? वही इबादत के लायक क्यों है और दूसरे लोग इबादत के लायक क्यों नहीं है अगर मैं इतना साबित नहीं कर सक रहा हूँ तो फिर मेरी तवीद कैसी है अगर कहीं पर नौज़ बिल्ला नबी करीम सलील वसलम की शान में गुस्ताखी की जा रही है झूठे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं तो मुझ पर अगर इतना इल्म नहीं है कि मैं वहाँ पर नबी करीम सलील वसलम की इज़्ज़त का दिफा कर सकूँ जो जो कि मुझ पर वाजिब है जो कि मुझ पर वाजिब है तो फिर मेरे नबी करीम नबी अलैहि वसल्लम पर ईमान मेरा कामिल कहाँ से हुआ या मैं नबी नबीम का जो हक़ मुझ पर है वो किस तरह से मैं अदा कर रहा हूँ इतना तो होना चाहिए इतना तो पढ़ लेना चाहिए तो बहरहाल ये कुछ चीज़ें थी जो मैं कहना चाह रहा था बात का ख़ुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने हमको दावत फ़र्ज़ की नबी करीम चले गए लेकिन दीन बाकी है क़ियामत तक यही दीन है यही दीन पे सारों के नाम अमाल तोले जाएंगे इस नजात इसी पे है अब दूसरों तक पहुँचाना ही रसूल अखम की सच्ची इतबा है आना व मन इतबा आनी तो हम हर अपने अपने लिहाज से जितना हम इसको कर सकते हैं इसको जानने की कोशिश करें इसको सीखने की कोशिश करें और इसको फैलाने की कोशिश करें अल्लाह रब्लम से दुआ है कि अल्लाह रब्लम हमें अपना हकीकी बंदा बना फरमाए बनाएं और हमें उन लोगों में से बनाएँ कि जो उसकी इस दीन की दावत का काम करते हैं और उसमें हिम्मत से काम लेते हैं अल्लाह हमारी ज़ुबानों में तासीर डाले अल्लाह हमें खौफ से बचाए अल्लाह हमें जब तक हमको रखे अपनी हिफाजत में रखे जहाँ कहीं हमारे मुसलमान भाई फिल वक्त परेशान हैं उनको अल्लाह की मदद की ज़रूरत है अल्लाह ताला उनकी मदद फ़रमाए सुबह रब इजतम सुफ़ून वसलमसलीमीम रब्बिल आलमीन